सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 81, कार्यपत्रक 82, कार्यपत्रक 83, कार्यपत्रक 84 और कार्यपत्रक 85। और आकलन है इसमें आकलन 14 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 81, घातांकों को नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखें। 2 की घात 7 इंटू 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 6, तो सभी घात यहाँ 7 और 2 9 और 6 15, 2 की घात यहाँ 15 आ जाएगी। पी की घात 6 भाजक पी की घात 2, पी की घात 4 रहेगी, 6 में से 2 बाकी निकल जाएंगे। 6 की घात 2 की घातांक 4 भाजक 6 की घात 8, तो 8 में से 8 गए 0, 6 की घात 0। y की घात 20 भाजक y की घात 2 इंटू y की घात 5, y की घात सब घातांक जुड़ जाएंगे, y की घात 23। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य या असत्य हैं, अपने उत्तर का कारण भी लिखें। 5 की घात 3 बड़ी है 3 की घात 5 से, असत्य क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। ये 5 25 3 15 ये सत्य है। छ की घात 5 इंटू ये असत्य है पहला। दूसरा है 6 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 बराबर 30 की घात 5, असत्य। 30 की घात यहाँ 10 आनी चाहिए, कारण यहाँ 125 हो रहे हैं और यहाँ हो रहे हैं 243, तो यह नहीं होता है। कारण यहाँ 340 हो रहे हैं, 340,000 625 यहाँ हो रहे हैं, 21,00,000 10,000,000 10,00,000 2,43,00,000। तीसरा है 108 की घात से बड़ी है 180 की घात, तो ये सत्य है। 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 बराबर 10 की घात 10, ये सत्य। इसमें भी कारण है 1,080 बड़ा है 108 से, इसमें कारण है 1,00,000 से बड़ा है यहाँ 1 अरब। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। 7 करोड़ को व्यक्त करेंगे 7 × 10^7, 8,56,32,763 को करेंगे 8.56 की इंटू 10^7, 57,692.86 को करेंगे अपन 5.76 इंटू 10^6, 7,000.003 को करेंगे 7.5×0 और 3 इंटू 10^6। इस संख्या का होगा 8.98 इंटू 10^11, इस संख्या का होगा 6.18 इंटू 10^7। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं का सामान्य रूप में व्यक्त करें। 5.7832 इंटू 10^5, 5,78,320, 3.607 इंटू 10^2, 360.7, 7.0057 इंटू 10^5, 7,570, 9.85 इंटू 10^2, 985। प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। ए एम इंटू ए एन इंटू ए पी बराबर ए कोस्टैक एम प्लस एन प्लस पी होता है सत्य। ए एम भाजक ए एन बराबर ए एन माइनस एम होता है सत्य।
एम एन बराबर ए एम एन होता है सत्य। अगला है एकीघात जीरो बराबर जीरो होता है, ये भी असत्य है। ये था कार्यपत्रक इक्यासी। कार्यपत्रक बयासी देखेंगे। क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? यदि हाँ तो स्केल की सहायता से रेखा को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाएं? ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगी इस जगह, हाँ। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, हाँ। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी क्योंकि ये समांतर जारी है। इन दो को आगे बढ़ाएंगे अपन तो ये भी नहीं करेगी, ये समांतर जारी है। पर ये आगे जाके इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करेगी, हाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो। आकृति को देखकर नाम लिखिए। आकृति है यहाँ इस प्रकार की। इनके नाम है प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम L, X, E और एम एन, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। रेखाखंड के नाम सी डी ए बी एन एक्स और एम ई। प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम पी ई क्यू एक्स। समांतर रेखाएं ए बी समांतर हैं सी डी के, ए बी समांतर हैं सी और डी के। अगला है इसमें रेखाखंड के नाम हैं ए जी सी आई एफ डी ए बी सी एफ एफ एच बी डी डी जी जी आई। समांतर रेखाखंड के नाम ए जी बराबर सी आई। एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम पी और क्यू। ये था कार्यपत्रक बयासी। कार्यपत्रक तिरासी। निम्न में से रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं में संबंध लिखिए। आकृति है ये इस प्रकार की। रेखाओं से संबंध, दो समांतर रेखाएं क्यू तथा आर को एक तिर्यक रेखा पी एन विच्छेद प्रतिच्छेद बिंदुओं ओ एम एन पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ और एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगला है दो समांतर रेखाएं ए बी को एक तिर्यक छेदी रेखा टी प्रतिच्छेद कर रही है और एस और एम पर, एस और एम पर कर रही है। दूसरा प्रश्न है आकृति में बने आसन्न कोण रैखिक युग्म तथा शीर्षा विभिमुख कोण को पहचान कर नाम लिखें। यह है रैखिक कोण, यह है शीर्षा विभिमुख कोण एक और दो, एक्स और वाई है आसन युग्म। अगला है यह है आसन युग्म कोण पी और क्यू। पाँच और छः है आसन युग्म कोण, बी और डी है आसन युग्म कोण। यह था कार्यपत्रक तिरासी। कार्यपत्रक चौरासी देखेंगे। आकृति में कोण एक एवं कोण दो के कोण युग्म का प्रकार मान याद करें। आकृति है कोण एक और कोण दो संगत कोण है, कोण एक बराबर कोण दो। इस आकृति में कोण एक और कोण दो एकांतर कोण है, एक प्लस दो 180 डिग्री। अगला है कोण और कोण दो ये है संगत कोण, कोण एक बराबर कोण दो। प्रश्न नंबर दो, आकृति में कोण एक्स एवं वाई के मान याद करें। आकृति है एक्स वाई और ये कोण बन रहा है यहाँ 47 डिग्री संगत कोण। एक्स 47 डिग्री वाई 47 डिग्री योग है यहाँ 94 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री है और ये है 47 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण होंगे 180 में से 100 गए 80 डिग्री और 180 में से 100 गए 80 डिग्री योग होगा 160। ये था कार्यपत्रक 84। कार्यपत्रक 85। पूरक कोण संबंधी अवधारणा। आकृति 40 डिग्री 50 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा, क्या ये पूरक कोण है? हाँ। कोण 50 डिग्री और 50 डिग्री 50 प्लस 50 ये होंगे 100 डिग्री, क्या ये पूरक कोण है? नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण लिखे। 105 डिग्री 75 डिग्री, 105 प्लस 75 180 डिग्री होगा, क्या ये संपूरक कोण है? हाँ। 75 डिग्री और 50 डिग्री, 75 प्लस 50 125 डिग्री, क्या ये संपूरक कोण है? नहीं है।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कोण को पूरक तथा संपूरक कोण लिखिए। 28 डिग्री, पूरक कोण 62 डिग्री, संपूरक कोण 180 में से 28 गए 152 डिग्री, 11 डिग्री, पूरक कोण 90 माइनस 11 79, संपूरक है 180 माइनस 11 169 डिग्री, 79 डिग्री, पूरक कोण 90 माइनस 79 110, संपूरक 180 माइनस 79 101 डिग्री, 45 का पूरक कोण 90 माइनस 45 45 डिग्री, 180 माइनस 45 135 डिग्री। ये था कार्यपत्रक 85। आकलन 14, घातांक रूप -1 की घात 7 का मान लिखें। तो इसका मान होगा -1 ही। तो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव रहती है समान। तीसरा है रेखिक कोण युग्म में कोण का योग सदैव होता है 180 डिग्री। कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा 0 डिग्री। पांचवा है मानक रूप में व्यक्त करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3,43,000 को मानक रूप में करेंगे। 3.43 × 10^6, इसको करेंगे हम संख्या को 7.004 × 10^11। सरल करें और मानक रूप में लिखें 3 × 10^5 प्लस 2 × 10^2, ये होगा 3,02,000। 5 × 10^6 प्लस 4 × 10^5 प्लस 2 × 10^3, तो ये संख्या होगी यहाँ कायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब, 4,02,000। प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प के साथ मिलान करें। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज, प्रतिच्छेदी रेखा से बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती है तिरेकच्छेदी रेखा। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज। निम्नलिखित कोणों के युग्म में से पूरक एवं संपूरक युग्म में अलग अलग पहचान लिखें। 45 डिग्री ये पूरक कोण है, 135 डिग्री और 45 डिग्री संपूरक, 35 और 57 डिग्री पूरक कोण, 115 और 65 डिग्री संपूरक, 62 और 28 डिग्री पूरक कोण, 111 डिग्री और 70 डिग्री संपूरक कोण। ये था आकलन 14 और कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 का हल। और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।